दोस्तों सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं यूक्रेन के हाईजैक हुए प्लेन पर और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर। आप जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट से यूक्रेन का एक सिविलियन प्लेन जो है, एक नागरिक जहाज़, उसे अगवा कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि उसे अगवा करके ईरान में किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। कितने लोग इस प्लेन में सवार थे इसकी अभी कोई डिटेल नहीं मिल सकी है, इसका विवरण नहीं मिल सका है, लेकिन बताया जाता है कि ये प्लेन जो है पूरा भरा हुआ है लोगों से और काफ़ी लोग इस जहाज़ के अंदर हैं, नागरिक जहाज़ के अंदर हैं, जिसे अगवा करके ईरान ले जाया गया है। ये प्लेन जो है, ये जहाज़ जो है, ये काबुल एयरपोर्ट से लोगों को, यूक्रेन के लोगों को और तमाम दूसरे लोगों को जो यूक्रेन सरकार का वहाँ समर्थन करते हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर वे जमा थे और उन्हें निकालने के लिए प्लेन वहाँ गया था, जहाँ से काबुल हवाई अड्डे से इसे अगवा कर लिया गया है। तालिबान बार बार दुनिया को ये कह रहा था कि कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई सामने आने के बाद, इस प्लेन के हाईजैक होने के बाद और ख़ास तौर से इसलिए कि इसे ईरान ले जाया गया है, तो दुनिया भर में खलबली मच गई है और स्थिति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़राब होती दिखाई दे रही है। अगर ये वास्तविकता है कि इस प्लेन को हाईजैक करके ईरान ले जाया गया है, तो इससे जो तनाव है जो पहले से मौजूद है, ख़ास तौर से यूक्रेन और ईरान के बीच में, ये काफ़ी स्थिति जो है ख़राब हो जाने वाली है और इसमें दुनिया की महाशक्तियों का जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जो भागीदारी है, वो सामने आ सकती है, जिसके परिणाम जो हैं वो ख़तरनाक निकल सकते हैं। आप जानते हैं ईरान के ख़िलाफ़ पहले अमेरिका और यूरोप की जो ताकतें हैं वो पहले उसके ख़िलाफ़ लगातार मुखर रही हैं और उस पर जो है बैन लगाने के लिए, उसकी घेराबंदी करने के लिए वे लगातार कोशिशें करती रही हैं। इस बीच ग्रुप 7 देशों की एक मीटिंग जो है वो आज हुई है, जिसके परिणाम क्या हैं और उसकी घोषणाएं क्या हैं वो अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये मीटिंग जो है, ये ग्रुप 7 के अंदर अमेरिका और यूरोप की महाशक्तियां हैं, दुनिया की महाशक्तियां हैं। ये मीटिंग जो है, ये वास्तव में जो शरणार्थी संकट पैदा हुआ है अफगान समस्या से, अफगान संकट से, उससे निपटने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी ग्रुप 7 देशों की, जिसमें इन ग्रुप 7 के देशों को ये तय करना था कि आपस में किस तरह से जिम्मेदारी को, शरणार्थियों की जिम्मेदारी को बांटने के लिए तैयार हैं। वहाँ बड़ी तादाद में शरणार्थी हैं, वे लोग हैं जिन्होंने वहाँ अमेरिका और नाटो शक्तियों के साथ जो है कोलेबोरेट किया था अफगानिस्तान में तालिबान को कुचलने में, और जो प्रतिरोध संघर्ष था इन साम्राज्यवादी ताकतों को अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ने के लिए, उस संघर्ष को कुचलने के लिए जिन लोगों ने कॉपरेट किया था साम्राज्यवादी सेनाओं के साथ, महाशक्तियों के साथ, अब उनको वहाँ से निकाल लें, उनको वहाँ से उनको पुनर्वासित करने की जो समस्या है दुनिया भर में वो खड़ी हो गई है। और ये लोग कम नहीं हैं, ये लोग लाखों की तादाद में हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिन्हें जो शरणार्थी संकट, इनके अलावा वो भी लोग हैं जिनको दूसरे कारणों से तालिबान जो है वो रिप्रेस करना चाहता है, जिसमें माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, धार्मिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। तो ये एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जो शरणार्थियों का बड़ा जमावड़ा काबुल के अंदर है, उसे किस तरह से वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, किस तरह से बचाया जाए, और ये इनको बचाने के लिए ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। लगभग एक हफ्ता हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बचा है, क्योंकि तालिबान ने 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उसे बढ़ाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक जो यहाँ से निकल सकते हैं निकल जाएं, जिन्हें निकाला जा सकता है उन्हें निकाल लिया जाए। 31 अगस्त के बाद जो है उन्होंने कहा है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, जो लोग यहाँ रह जाएंगे तो उनके गंभीर परिणाम होंगे और उनकी कोई गारंटी तालिबान जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो
तो आज ये ग्रुप सेवन देशों की मीटिंग हुई है इसी समस्या को लेकर, इसके इसकी जो घोषणाएं हैं, इसके जो रिजल्ट है वो अभी हमारे सामने आना बाकी है। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने इस विमान के हाईजैक हो जाने के बाद, यूक्रेनियन विमान के हाईजैक होने के बाद, उसका बहाना लेते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ जो है बातचीत की है फ़ोन पर, और उनसे अफगान समस्या को हल करने के लिए, अफगान संकट को हल करने के लिए, विशेष रूप से शरणार्थी संकट को हल करने के लिए उनसे बातचीत की है। दरअसल तालिबान के सत्ता में आने से जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसे लेने के देने पड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार लंबे समय से अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो की शक्तियों के साथ वहाँ मोर्चा बनाए हुए थी, कोलेबोरेट किए हुए थी, और भारत का जो है हजारों करोड़ रुपया वहाँ निवेशित है अफगानिस्तान के अंदर। बहुत बड़े निवेश भारत के पूंजीपतियों के और खुद भारत सरकार के हैं, जिनके ऊपर जो है संकट आता दिखाई दे रहा है। तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को विशेष रूप से इसमें चिंता बनी हुई है तालिबान के आने से, और वह किसी भी कीमत पर तालिबान के खिलाफ एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय एक मोबिलाइजेशन, एक उसके खिलाफ गुटबंदी, गिरोहबंदी चाहते हैं। इसी मसले को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो है बातचीत की है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आज मैंने आपको बताया कि ग्रुप सेवन देशों की मीटिंग थी, और इन ग्रुप सेवन देशों की मीटिंग के लिए उससे ठीक पहले, एक दिन पहले, विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं अमेरिका में, उन्होंने कल, ठीक एक दिन पहले कल, वो काबुल पहुंच गए हैं, और उन्होंने वहां जाकर जो अब्दुल गनी बरदार तालिबान के चीफ हैं उनके साथ बातचीत की है। ये जो जानकारी है ये बहुत ही गुप्त रखी गई थी, CIA ने और तालिबान ने दोनों ने इस जानकारी को बिल्कुल गुप्त रखा था, किसी तरह से कोई प्रेस बयान नहीं दिए थे। ये जानकारी वाशिंगटन पोस्ट को एक CIA के किसी छोटे अधिकारी ने लीक कर दी है, और उसके लीक होने के बाद वाशिंगटन पोस्ट ने इसे बाकायदा छाप दिया है। दुनिया भर को ये पता चल गया है कि किस तरह से जो तालिबान है उसके साथ CIA के अफसर जो हैं अब भी बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत क्या है इसका ब्यौरा अभी नहीं आया, हो सकता है भविष्य में आया, लेकिन मूल रूप से ये लग रहा है, मोटे मोटे तौर पर ये लग रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकियों को निकालने के लिए, अमेरिकियों को, अमेरिका समर्थकों को निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए बातचीत हुई है, और शायद अमेरिका ये जो 31 अगस्त की डेडलाइन है इसे आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है तालिबान से। दूसरा, विलियम बर्न्स तालिबान के ऊपर ये भी दबाव बनाने जा रहे हैं कि अमेरिका के साथ वो कॉपरेट करे, वरना ग्रुप सेवन के देशों के अंदर उसके खिलाफ जो है मोबिलाइजेशन हो सकती है, उसके खिलाफ मोर्चा बन सकता है तालिबान के खिलाफ। इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उन्होंने पीछे बयान भी दिया था, और वे इस बात पर आमादा हैं कि पूरी तरह से अफ़गानिस्तान से विड्रॉल ना किया जाए, बल्कि वहाँ और सेनाएं भेज दी जाएं, वहाँ मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के नाम पर वहाँ फ़ौज की उपस्थिति बना दी जाए। आप जानते हैं कि ये मानवाधिकारों का जो साम्राज्यवाद है इसे ये महाशक्तियाँ बहुत लंबे समय से हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं। मानवाधिकारों के नाम पर दुनिया भर के अंदर इनके कुटिल सैन्य अभियान, जिसमें लाखों लोगों को मारा गया है और मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, हनन किया गया है, तो मानवाधिकारों के नाम पर इस तरह की कुटिल जो अभियान है वो ये चलाते रहे हैं। तो अभी बोरिस जॉनसन जो हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं, वो ये सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह का एक अभियान अफ़गानिस्तान के अंदर फिर से चलाया जाए, और एक तरह से एक तरह का परोक्ष युद्ध जो है अफ़गानिस्तान के खिलाफ अब ह्यूमन राइट्स के नाम पर छेड़ दिया जाए, और ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के नाम पर वहाँ जो है फ़ौजों की मौजूदगी बनाए रखी जाए। अकेले वे ये करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका और जर्मनी इसके लिए तैयार होते हैं, फ्रांस इसके लिए तैयार होता है, तो बोरिस जॉनसन का ये प्रस्ताव है, पहले भी वो इस तरह के प्रस्ताव जो है रख चुके हैं। तालिबान ने 31 अगस्त की डेडलाइन दी है, और इस डेडलाइन से वो किसी भी तरह से हटने के लिए तैयार नहीं है, और उसने कहा है कि अपना जो भी इवैक्यूएशन करना है वो 31 अगस्त तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए। इस बीच नॉर्वे का एक बड़ा इंटेलिजेंस ग्रुप है जिसने ये रिपोर्ट दी है कि तालिबान ने बाकायदा लिस्टें तैयार कर ली हैं
उन तमाम लोगों की जिन्होंने वहाँ अमेरिका और यूरोप की उन ताकतों के साथ कोलेबोरेट किया है, उनके साथ सहयोग किया है, जो तालिबान पर और साम्राज्यवाद विरोधी इस ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ने वाली ताकतों पर ज़बर व ज़ुल्म करने में इन ताकतों का साथ दे रहे थे। तो उनकी बाकायदा लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और उनका उनके ऊपर जो दमन है वो तय है। अभी संयुक्त राष्ट्र में इस तरह की सूचनाएं आने लगी हैं कि तालिबान ने समरी एग्जीक्यूशंस जो है वो शुरू कर दिए हैं काबुल के अंदर और काबुल के आसपास, उन लोगों को पकड़ करके उनको बिना मुकदमे चलाए एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है, हिंसा शुरू कर दी है। इसकी अभी कंफर्म नहीं है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो समाचार हैं कंफर्म नहीं है, लेकिन यूएन की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है तो उसने ये कहना शुरू किया है कि इस तरह की खबरें उसके पास आ रही हैं और इसकी वो जांच करेगा। इस पूरे युद्ध में जो अमेरिका ने लगातार, अमेरिका और यूरोप की महाशक्तियों ने लगातार 20 साल पूरे दो दशक अफ़गानिस्तान पर थोपा था, इसमें बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी और यूरोपीय मेहनतकश जनता का जो पैसा है, जो जाने गई हैं वे तो गई ही हैं, उसके साथ ही जो बहुत बड़ी तादाद में जो आर्थिक और दूसरे संसाधन हैं वे इसके अंदर उनका निवेश किया गया, उनको लगाया गया। अकेले अमेरिका ने बता रहे हैं कि लगभग $2 ट्रिलियन इसके अंदर खर्च किए हैं युद्ध के अंदर, और ये जो युद्ध के अंदर खर्चा है इससे अब पता चल रहा है कि जो अमेरिका में युद्ध का सामान बनाने वाली, हथियार बनाने वाले जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो युद्ध के ठेकेदार हैं, आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो दरअसल वहाँ खुद नहीं लड़ रही थी, उन्होंने वहाँ वो तो कभी कभी इंटरवीन कर रही थी, मुख्य रूप से एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर लोकल आर्मी को वो बैकअप कर रही थी, उसे ट्रेनिंग दे रही थी, और उसके साथ साथ उन्होंने ठेकेदारों के बीच में ये सारा काम जो है बांटा हुआ था, वहाँ हथियार सप्लाई का काम, बहुत जगह पर लड़ने का काम, बहुत जगह पर जो है जो जिसे वे निर्माण का काम कह रहे थे, बांध बनाने का, ये बनाने का, वो बनाने का, तो वो सारा निर्माण का काम जो है वो, साथ में हथियारों की सप्लाई, साथ में रसद सप्लाई और तमाम तरह के जो काम हैं, और यहाँ तक कि बहुत जगह पर जो लोकल मिलिशियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के काम है, उन्हें बनाए रखने के काम है, तो उनको भी लोकल ठेकेदारों को बांटा हुआ था। ये पैसा जो है सारा $2 ट्रिलियन अमेरिका का और यूरोपीय महाशक्तियों का सारा पैसा, उससे ये जो कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं हथियार बनाने वाले और ये जो ठेकेदार हैं युद्धों के, तो ये इससे मालामाल हुए हैं, इन्होंने ये सारा पैसा जो है ये इनकी जेब में गया है। तो युद्ध का जो एक परिणाम है जो हमारे सामने, इस पूरे दो दशक के ऑक्यूपेशन का, कब्ज़े का, युद्ध का जो परिणाम है वो ये है कि मेहनत का जनता का पैसा जो है अमेरिका और यूरोप से उसको सरकारें जिसे टैक्स के नाम पर लूटती हैं, तो जबरन वसूली करती हैं टैक्स के नाम पर, उस सारे पैसे को इस युद्ध के दौरान और इस युद्ध के बहाने इन ठेकेदारों की जेब में और बड़े कॉरपोरेट्स की जेब में जो हथियार बनाते हैं उनकी जेब में पहुंचा दिया गया है। तो इन हथियार निर्माताओं और ठेकेदारों को एक तरह से इस युद्ध ने मालामाल कर दिया है और आम जनता की ज़बरदस्त लूट हुई है। अकेले अमेरिका ने टैक्स का $2 ट्रिलियन अमेरिकी मेहनत का जनता का पैसा जो है इस पर लुटा दिया है। इस बीच में अफ़गानिस्तान के अंदर जो है एक किस्म का गृह युद्ध जो है उसकी स्थिति बन गई है। गृह युद्ध वहाँ बिल्कुल भड़क उठने के करीब है। आज की ताज़ा स्थिति यह है कि तालिबान ने पंजशीर वैली को, पंजशीर घाटी को घेर लिया है। पंजशीर घाटी जो है वो तालिबान के खिलाफ बचा हुआ आखिरी प्रतिरोध का क्षेत्र है, जिसके अंदर पंजशीर घाटी जो है, पहले भी जब तालिबान पहले सत्ता में रहा था 1996 से और 2001 तक 5 साल सत्ता में रहा था तालिबान, उस समय भी पंजशीर घाटी पर उसका कब्ज़ा नहीं हो पाया था तालिबान का। और पंजशीर घाटी के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस है, अहमद शाह मसूद उसके नेता हुआ करते थे, तो अहमद शाह मसूद की लीडरशिप में
पंजशीर घाटी ने रेजिस्टेंस दिया था और तालिबान के खिलाफ काफ़ी जोरदार और इफ़ेक्टिव वहाँ प्रतिरोध जो है वो चलाया था। ये जो नॉर्दर्न अलायंस है ये वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे लोकल ग्रुप्स का एक संघात है जो उस समय भी तालिबान के खिलाफ लड़ा था और अब भी अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद और वो इसको जो है और अमसलार साले ये जो हैं इसके कमांडर हैं और ये दो जो हैं दोनों ने अहमद मसूद और साले ने मिलकर इस रेजिस्टेंस को दोबारा से खड़ा करने और चलाने का फैसला किया है। अभी इनकी फोर्सेस ने नॉर्दर्न अलायंस की फोर्सेस ने पंजशीर घाटी के साथ लगते हुए तीन जिलों पर जिसमें बानो देह साले और पुले हिसार हैं तो इन तीन जिलों पर कब्ज़ा कर लिया था। अभी तालिबान का कहना है कि उसने इस कब्ज़े को वापस ले लिया है। इस संघर्ष में लगभग 50 तालिबान को मारने का दावा किया है नॉर्दर्न अलायंस ने और 20 तालिबान को उसने पकड़ने का दावा किया है। अभी जो काउंटर क्लेम आ रहा है जो दावा आ रहा है तालिबान की तरफ से वो ये आ रहा है कि उसने इन तीनों जिलों को दोबारा से अपने हाथ में ले लिया है मुक्त करा लिया है और बताया जा रहा है कि पंजशीर घाटी को अब तालिबान की फोर्सेस ने घेर लिया है और वे किसी भी समय पंजशीर घाटी के अंदर घुस सकती हैं। इधर अहमद मसूद की फोर्सेस ने उनकी जो जो फौज उन्होंने मिलिशाज इकट्ठी की हैं तो उनकी तरफ से उन्होंने दावा किया है उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन अगर तालिबान की जो फोर्सेस हैं वो पंजशीर वैली में बिना समझौता किए घुसने की कोशिश करती हैं तो हम उनका मुकाबला करेंगे और ये युद्ध छिड़ जाएगा। इधर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो हैं वो दोनों इस नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन दे रहे हैं और उज्बेक नेता राशिद दोस्तम जो पहले भी नॉर्दर्न अलायंस को जो है समर्थन देते रहे हैं तो राशिद दोस्तम ने इसको जो है समर्थन देने की घोषणा की है। तो इधर ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर को तालिबान ने सील कर दिया है। तालिबान ने अपनी फोर्सेस जो हैं वहाँ मोबिलाइज कर दी हैं ताकि किसी भी तरह से जो ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं वो बड़े पैमाने की कोई मदद जो है नॉर्दर्न अलायंस को ना दे सकें। बताया जाता है कि ताजिकिस्तान की सरकार ने पहले ही नॉर्दर्न अलायंस के पास बड़ी तादाद में हथियार पहुँचा दिए हैं और नॉर्दर्न अलायंस के पास पुराने वक्त के जो सोवियत मिलिट्री जो वहाँ छोड़ गई थी हेलीकॉप्टर्स हैं और लड़ने वाली गाड़ियां हैं आर्मर्ड व्हीकल्स हैं तोपे हैं और कुछ सामान उनके पास है लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पास अब इस सब की मरम्मत करने का भी कोई साधन नहीं है कोई ठिकाना नहीं है। तो दुनिया में जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो ज़्यादा समय तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तालिबान के पास बहुत आधुनिक हथियार हैं जो उन्होंने अमेरिकी और यूरोपीय सेना से छीने हैं और उन्होंने अपने भी तैयार किए हैं तो इसका ज़्यादा समय जो है मुकाबला नहीं हो पाएगा। उधर ताजिक और उज्बेक सीमा पर यह ख़तरा पैदा हो गया है कि तालिबान जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के साथ साथ इन सीमाओं के अंदर घुस सकता है और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंदर घुसकर वो वहाँ के जो विद्रोही गुट हैं उनके सहयोग से वहाँ बड़े कांड भी कर सकता है। इधर ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है कि इसमें चाहे नॉर्दर्न अलायंस की फोर्सेस हों या तालिबान हों ये किसी भी तरह से ये किसी तरह की वहाँ स्वतंत्रता के लिए आज़ादी के लिए या किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान को किसी तरह के लोकतंत्र के या प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि ये ताकतें हैं जो एक या दूसरे साम्राज्यवादी गुट के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे अमरुल्ला साले की अगर हम बात करें तो ये बड़े लंबे समय से जो है अमेरिका और CIA के साथ जुड़े रहे हैं और इसी तरह से नॉर्दर्न अलायंस की जो ताकतें हैं जो सोवियत विरोधी ताकतें हैं जिन्होंने सोवियत संघ का मुकाबला किया था सोवियत संघ के खिलाफ लड़ी थी विल उनके बीच में लंबे समय से CIA और अमेरिका की पेनिट्रेशन है। और इधर तालिबान जो है तालिबान चीन के पक्ष में खड़ा हो रहा है चीन के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादी गुट के साथ वो अपने आप को एकाकार कर रहा है।
तो ये जो ताकतें हैं ये किसी ना किसी रूप में दुनिया की महाशक्तियों के साथ जुड़ी हुई हैं, अफगानिस्तान के अंदर ये ताकतें, और किसी भी तरह से ये स्वतंत्र ताकतें नहीं हैं। इस सब के चलते जो इस समय ये स्थिति अफगानिस्तान के अंदर बनी हुई है और जिसके चलते इस तरह की तमाम कार्रवाई हो रही है, जैसा आपने देखा कि यूक्रेन का एक प्लेन जो है उसे हाईजेक कर लिया गया है, तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक बनी हुई है, जिसको अगर हम ठीक से समझें तो ये एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया में किसी भी समय एक इलाकाई युद्ध, एक क्षेत्रीय युद्ध को तो जन्म दे ही सकती है पश्चिम एशिया के अंदर, जिसकी चपेट में सेंट्रल एशिया भी आ सकता है, साउथ एशिया भी आ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये पूरी दुनिया के अंदर एक जो तीसरे विश्व युद्ध की आग को भी भड़का सकता है। इस तमाम विस्फोटक स्थिति के अंदर जो महाशक्तियाँ हैं वो हस्तक्षेप कर सकती हैं, और उनके हस्तक्षेप के साथ इस समय आग भड़क सकती है। इस समय अगर अमेरिका या यूरोप की शक्तियाँ अफगानिस्तान में वापस लौटने की कोशिश करेंगी, तो निश्चित रूप से जो दूसरी शक्तियाँ हैं, चीन है, रूस है, ये शक्तियाँ इसको जो है चुनौती देंगी। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान भी इसको जो है ज़बरदस्त चुनौती देगा, और ये एक विस्फोटक स्थिति बन सकती है। अमेरिका और यूरोप की शक्तियां भी ये जानती हैं, और इसलिए बोरिस जॉनसन की इस अपील को कोई ख़ास वहाँ जो है रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि अफगानिस्तान में किसी भी तरह से टिका जाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अमेरिका लंबे समय से ये कोशिश करता रहा। आपने अभी जो बिडन का बयान भी सुना था, जिसके अंदर जो बिडन ने कहा कि हमने वहाँ सिविल वॉर को शुरू करने के लिए वहाँ बातचीत की, लेकिन अफगान फोर्सेस उसके लिए तैयार नहीं थी। तो अफगान फोर्सेस, अफगान मिलिट्री उसके लिए तैयार हो ना हो, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस उसके लिए तैयार है। और अगर ये शक्तियाँ, अमेरिका और यूरोप की ये शक्तियाँ, ये महाशक्तियाँ नॉर्दर्न अलायंस की पीठ पर हाथ रखती हैं, और इस तरह का एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध ये वहाँ अफगानिस्तान के अंदर शुरू कर पाती हैं, तो ये भी अपने आप में विस्फोटक इसलिए हो सकता है कि इसके अंदर इस बार जो स्थिति है वो पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी। हालांकि पहले भी ये साम्राज्यवादी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हुई थी, लेकिन इस बार अगर साम्राज्यवादी ताकतें, अगर ये महाशक्तियाँ इन्वॉल्व होती हैं और एक प्रॉक्सी वॉर इनके बीच में बनती है, तो इसके परिणाम बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। आप जानते हैं किस तरह से इस समय सीरिया, यमन, इराक, इन तमाम जगहों पर इस समय जो लड़ाई चल रही है वो एक तरह से स्थायी युद्ध में बदल चुकी है, परमानेंट वॉर में बदल चुकी है, और वहाँ बार बार ये जो महाशक्तियाँ हैं ये आपस में जो है बहुत करीब आ रही हैं। हालांकि मिलकर ये वहाँ क्रांति का भी दमन कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे लेकिन युद्ध के मोर्चे पर भी ये बहुत करीब आ रही हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि रूस और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने आते हुए वहाँ जो है ख़ासतौर से सीरिया के अंदर जो है कई बार वो रुके हैं। तो इस तरह से अफगानिस्तान के अंदर ये बहुत हद तक संभव है कि अगर ये महाशक्तियाँ वहाँ दखल देती हैं, अगर नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में युद्ध भड़कता है और वो टिकता है। हालांकि वॉर एक्सपर्ट अभी कह रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस टिक नहीं पाएगा तालिबान के मुकाबले में, लेकिन अगर वो टिकता है, मान लीजिए ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के समर्थन से, और ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान के पीछे जो महाशक्तियाँ उनका समर्थन रहता है, तो इसके परिणाम जो हैं वो लंबे समय में ही नहीं, वो बहुत ही छोटे समय में, शॉर्ट टाइम में भी बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। ये इलाका ऐसा है, अफ़गानिस्तान का इलाका ऐसा है जिसमें आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान को कई तरफ से सपोर्ट आ सकती है तालिबान को, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, और पाकिस्तान के पीछे चीन। तो ये जो शक्तियां हैं ये सपोर्ट दे सकती हैं, और ये दोनों ही शक्तियां, चीन और पाकिस्तान, दोनों शक्तियां न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, नाभिकीय शक्तियां हैं, और इनके तालिबान को सपोर्ट देने के साथ जो भारत जैसी शक्तियां हैं वे भी इस युद्ध में खिंच सकती हैं, जिसके परिणाम जो है बहुत भयंकर हो सकते हैं। ये सब ख़ासतौर से इसलिए कि नाभिकीय हथियारों से लैस हैं, तो नाभिकीय हथियारों का तालिबान के हाथ में जाते या अफगानिस्तान में उनका डिप्लॉयमेंट होते 1 मिनट नहीं लगेगा, और ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति जो है वो बन जाएगी। और ये हम जो बात कर रहे हैं कोई दूर की गोटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही निकट भविष्य में बड़ी सक्षम संभावना है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो
तालिबान की सपोर्ट पर आ सकती है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी खुल्लम खुल्ला, इमरान खान ने ये कहा कि तालिबान लड़ाकों ने अफ़गानिस्तान को मुक्त करा लिया है, तो वो निश्चित रूप से अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी सेना के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, तालिबान के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, और ये स्थिति जो है ये काफ़ी काफ़ी ख़राब हो सकती है। इस सब के बीच में अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह से सोचा जा रहा था कि तालिबान के इस कब्ज़े के साथ कुछ समय के लिए अब वहाँ स्थिति जो है वो संतुलित हो जाएगी, तो नॉर्दर्न अलायंस के इंटरवेंशन के साथ ये जो है स्थिति फिर से ख़राब होने लगी है। नॉर्दर्न अलायंस के पास अपनी ज़्यादा फोर्सेस नहीं हैं और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि वो ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन वो एक तरह से टिक सकता है अगर उसे सीधी मदद जो है वो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से मिल जाए और इधर से पाकिस्तान से उसे मदद मिल जाए, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है। तो और ये एक पूरी सप्लाई लाइन बन सकती है पाकिस्तान के जरिए चीन तक। तो अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट इसमें महाशक्तियों की होती है तो हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि तब हम लोग अपने आप को तीसरे विश्व युद्ध की बिल्कुल दहलीज पर खड़ा पाएंगे। तो इसी बीच अफ़गानिस्तान से जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपना वही पिछला काम शुरू कर दिया है। उसने वहाँ औरतों को घर के अंदर बंद करना, उन्हें खुलेआम सज़ाएं देना और इस तरह की तमाम जो कार्रवाइयां हैं वहाँ शुरू कर दी हैं, रिप्रेशन शुरू कर दिया है उन लोगों पर जो साम्राज्यवादी सेनाओं के साथ कॉपरेट कर रहे थे, उनसे बदला लेना शुरू कर दिया है, और इस सब के चलते वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर जो प्रतिरोध है वो पनप रहा है। यूएन जैसी जो संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं हैं, वो इस मामले में शायद ही कुछ कर पाएंगी, क्योंकि दुनिया के अंदर महाशक्तियां इस समय इस तरह से डिवाइडेड हैं, इस तरह से विभक्त हैं, बटी हुई हैं कि वे अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ किसी भी तरह से संयुक्त राष्ट्र में या संयुक्त राष्ट्र से बाहर किसी भी तरह से एक नहीं हो पाएंगी, एकजुटता नहीं दिखा पाएंगी, और इसलिए तालिबान के खिलाफ किसी तरह की मोबिलाइजेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बिल्कुल असंभव होगी। इस असंभवता के बीच ये संभावना बहुत ही बलवती हो रही है कि तालिबान को, अगर तालिबान नॉर्दर्न अलायंस को और दबा देता है तो इस बार तालिबान अपने पिछले समय से भी ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर सत्ता में आ जाएगा। सत्ता में तो वो आ गया है लेकिन उसके हाथ में अभी पूरी सत्ता नहीं है। पंजशीर वैली का जो इलाका है और ये बड़ा मजबूत इलाका है, ये क्योंकि सीमांत इलाका है इसलिए पंजशीर वैली एक ऐसा क्षेत्र है जो तालिबान के खिलाफ लगातार लड़ता रहा है, और तालिबान का शासन तब तक स्थायी और स्थिर नहीं हो सकता जब तक पंजशीर वैली जो है वो उसके कब्ज़े में नहीं आ जाता। और अगर पंजशीर वैली में लड़ाकों को बाहर से मदद मिलती है, हालांकि जिसकी संभावना नहीं लग रही है, तालिबान ने उज़्बेक और ताजिकिस्तान के बॉर्डर जो है उनको अच्छी तरह से सील कर दिया, लेकिन अगर ये संभावना बनती है तो तब वहाँ गृह युद्ध भड़क सकता है, और उसके चलते जो पूरा माहौल है पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया में, ये पूरा माहौल जो है ख़राब हो सकता है, और मध्यपूर्व की भी बहुत सारी ताकतें इसके अंदर जो है खिंच कर आ सकती हैं, जिनमें से ईरान, तुर्की और इस तरह की तमाम शक्तियां हैं। तो इससे पूरा मध्यपूर्व के अंदर भी माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता में आने से पूरा जो संतुलन बना हुआ था इस क्षेत्र के अंदर वो बिगड़ गया है, और इस बिगड़े हुए संतुलन में आगे किस तरह का इसमें डेवलपमेंट होगा, आने वाले कुछ दिनों में इसकी तस्वीर काफ़ी साफ हो जाएगी कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो किस हद तक टिक पाता है। तो उसके इंतज़ार करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि किस तरह से ये राजनीति जो है करवट ले रही है। हमारे वक्त में ये तूफ़ानी दौर शुरू हो गया है जिसमें पूंजीवाद का आम संकट जो है वो जगह जगह इन छोटे छोटे विस्फोटों में अभिव्यक्त हो रहा है, और ये ऐसे विस्फोट हैं जो दुनिया में एक बड़े विस्फोट का, एक विश्वयुद्ध का, ऐसे विश्वयुद्ध का जिसमें नाभिकीय हथियारों का, जैविक हथियारों का, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है, तो एक बहुत बड़ा ख़तरा पूरी मानव जाति के सामने ये है, और ये एक चुनौती भी है हमारी पीढ़ी के सामने कि हम इस पूंजीवाद को जो इस हद तक गल सड़ गया है कि वो दुनिया को, मानवता को युद्धों के सिवा, मारामारी और हिंसा के सिवा कुछ नहीं दे सकता, उसे हम बदल डालें, उसे उखाड़ फेंकें और उसकी जगह शांति
और विकास के लिए समाजवाद की स्थापना करें, दुनिया को समाजवादी झंडे के नीचे एकजुट करें और दुनिया में इन पूंजीवादी राष्ट्र राज्यों को जो हिंसा और मारामारी का स्रोत बने हुए, उसका केंद्र बने हुए, इन्हें उखाड़ फेंकते हुए दुनिया में एक समाजवादी संघ की स्थापना करें। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए इस कार्यक्रम में और इसे ध्यान से सुनने के लिए। मिलते रहेंगे दोस्तों, मिलकर लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।